एक नशेड़ी का इलाज करवाना पुलिस के लिए भारी पड़ गया। आफत तो तब आई जब उसके स्वस्थ होने पर परिजनों ने घर ले जाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बोकारो के बालीडीह थाना अंतर्गत गरिया घुट्टू के स्थानीय लोगों ने नशे के हालत में संजय सिंह नामक एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसे बालीडीह थाना लाया गया। बालीडीह पुलिस उसकी हालत को देखते हुए जैना मोड़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं संजय सिंह के परिजनों के आग्रह पर बालीडीह पुलिस ने बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाया और उसे अपने साथ ले जाने को कहा, मगर परिजनों ने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। उनके द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद भी परिजन उसे ले जाने को तैयार नहीं थे। तब जाकर पुलिस ने संजय सिंह को निजी मुचलके पर उसे छोड़ा और वह अपने घर पहुंचा। इस बीच पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा और उसके घर पहुंचने के बाद राहत की पुलिस ने सांस ली। बालीडीह थाना अंतर्गत गरिया घुट्टू के ग्रामीणों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को नशे की हालत में पकड़ करके दिया गया था, जिसे जैना मोड़ ले जाया गया। जैना मोड़ से सदर हॉस्पिटल उसे रेफर कर दिया गया। उसके परिजनों के आग्रह पर उसे BGH में भर्ती कराया गया। उसके स्वस्थ होने उपरांत उसके परिजन उसे वहाँ से नहीं ले जा रहे थे, तो आज थाना ला करके नीची मुचलका पे उसे यहाँ से घर भेजा जा रहा है।